हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हैदराबाद में बलात्कार के बाद दोषियों के भागने के प्रयास पर वहां की पुलिस के द्वारा उनका एनकाउंटर कर देने की पूरे देश में वाहवाही हो रही। इसी को लेकर ठिकरी नगर में भी करनी सेना की महिलाओं और ग्रामीणों द्वारा ठिकरी थाने पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को बधाई दी और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उनसे निवेदन किया कि बलात्कार के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए एवं उनके प्रति कोई भी नरमी नहीं बरती जाए। करनी सेना के जिला उपाध्यक्ष सुनीता तोमर ने बताया कि पुलिस का उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया है, जिससे आने वाले समय में पुलिस निष्पक्ष होकर अपने कार्य करे एवं बलात्कार के दोषियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाकर उन्हें सजा दिलाए। शनिवार की सुबह 11 बजे सैकड़ों महिलाएं एवं ग्रामीण ठीक थाना परिसर में पहुंची एवं पुलिस जवानों एवं अधिकारियों को पुष्पहार पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान थाना प्रभारी विनय आर्य ने आए हुए सभी ग्रामीणों एवं महिलाओं को आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ सदैव सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में भी बलात्कार के दोषियों के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। इस दौरान थाना परिसर में महिलाओं ने हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद एवं ठीकरी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस घटनाक्रम को लेकर जनता एवं महिलाओं ने पुलिस को सर आँखों पर बिठाया है। ठीकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हम अपने पुलिस विभाग के सभी ऑफिसर लोगों का जिन्होंने प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों को एनकाउंटर में जो सजा दी, हम पुलिस वालों से अनुरोध करते हैं कि आगे भी जिन हमारी बहनों को न्याय नहीं मिला है उन्हें न्याय दिलाए, और अनुरोध है कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा। हम पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करने आए हैं जो कल रेपिस्टों को इनकाउंटर किया है जी भाई। उसके लिए खुशी का माहौल बता नहीं सकते हैं, बस इसीलिए हम सम्मान करते हैं। आगे भी प्रशासन ऐसा ही हमारा सहयोग करते रहे ताकि हर बहन बेटियों को निडर होकर जीने का हक हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।